हर छोटे बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हापुड़ हलचल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रशासन ने कब्जा मुक्त करवाई 800 बीघा कृषि भूमि। गंगा के किनारे अवैध रूप से जमीन कब्जा कर की जा रही थी खेती। सूचना मिलते ही SDM ने भारी पुलिस बल के साथ गंगा के किनारे 800 बीघा जमीन कब्जा मुक्त करवाई। करोड़ों रुपए की बताई जा रही है कब्जा मुक्त जमीन की कीमत। कब्जा मुक्त के दौरान पुलिस की सख्ती के सामने बेबस दिखाई दिए लोग। पहले इसको जो चौपुर के सभी जोत रहे थे इसे, और जोतने के बावजूद इसमें ये जो प्रधान ने वहाँ से हाई कोर्ट से कहीं से भी करके नहीं है, इसकी जो प्रक्रिया करके उसको जो तैयार करा गया प्रशासन ने लेकर प्रशासन से द्वारा निकलवाई गई है। निकलवाने के द्वारा उन्होंने फिर उसका कहा कि मतलब इसमें क्या करें, उन्होंने कहा भाई इसे बांट लो। अब वो कहते हैं जी कि जिनके पट्टे इसमें 36 पट्टे हुए हुए हैं, 36 पट्टेदार कहते हैं कि हमें जो पहले इसमें चाहिए सूखे में, जिनके खाने उसमें पानी में चल रहे जल में चल रहे हैं वो पट्टे, कोई पट्टा ऊपर नहीं है। अब वो जो और पब्लिक है वो कहती है भाई ऐसे कैसे ले लोगे, या तो बंटवारा करके ले लो, तुमने पहले भी जोती है 10 साल वो जमीन, अब तुम दोबारा कहते हो हम तो इसमें लेंगे। कुल कितनी जमीन है जो जोती जा रही है इस समय ये बैठेगी 800 बीघे जमीन, 800 करीबन हो गए, और सभी लोगों पे ज्यादा ज्यादा 5 या 6 बीघे जमीन होगी एक एक आदमी पे, ज्यादा नहीं। तो लगभग कितने लोग जोत रहे हैं इसमें? 114 आदमी है, 114 परिवार हैं इसमें। इस संबंध में प्रशासन से भी आपने कोई बातचीत की थी? हाँ, प्रशासन से भी की है, सबसे ही करी है, कितना जो मतलब कर सकते हो तो देख लो। नहीं, ये कब्जा जो है जमीन पे आपने लिया है या प्रशासन ने आपको दिलवाया है? प्रशासन ने दिलवाया, ये तो पब्लिक ने लिया अपने आप, फिर प्रशासन ने तो चौपुर वालों से खाली कराया था, खाली करवा दिया उन्होंने तो। हाँ जी, अब ये जो जमीन है जो ग्राम समाज की है और तहसील प्रशासन द्वारा खाली कराई जा रही है, इस संबंध में क्या कहना है आपका? अब क्या कहना, क्या है जो प्रशासन चाहे वो करे, अभी इसको प्रशासन को ये मंजूर है कि फसल जोती जाए तो जोत ले, कोई नहीं रोक रहा, कोई इस पे विवाद नहीं है। अब देखो हमारे कर लेंगे, अब प्रशासन के हाथ में जो भी करे ये करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। यदि प्रशासन इस जमीन को आपसे कब्जा मुक्त कराता है तो आपको कोई आपत्ति नहीं है? ना, कुछ हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति ये होगी कि मतलब यदि अगर जो पट्टेदारों को इधर जमीन नाप दी गई तो उसमें विवाद बहुत लंबा हो जाएगा। नहीं तो यदि पट्टेदारों की पट्टे हैं तो उन्हें जमीन मिलेगी? गंगा में है जिनके जो सेक्टर वाइज पट्टे हैं वो सेक्टर में नापे जाएंगे, खाली जमीन में नहीं नापी जाएगी। कभी प्रशासन कहे जी हम इसमें नापेंगे तो विवाद बहुत लंबा हो जाएगा। उनके नंबर है, वो उठा सकते हैं जमीन को। नहीं नहीं, ये जमीन तो ग्राम संघ, ये जमीन तो ग्राम समाज की है। हाँ, और ग्राम समाज की जमीन पर प्रशासन का अधिकार होता है, शासन का अधिकार होता है। हाँ, तो आप उसको अवैध रूप से कैसे अपने कब्जे में ले सकते हैं? नहीं, अवैध रूप से नहीं लिया, इसी वो से लिया है। कितना ये गांव की जो ग्राम इसमें हमने चंदा इकट्ठा करके नहीं है, इसको हाई कोर्ट में केस गिरवाया, मुक्त कराई है। उसके बाद जितना पैसा लगा, जनता का पैसा लगा, वो हम अपने तन मन धन से इसमें खर्च किया है। बुलंदशहर के अनूप शहर तहसील क्षेत्र के गांव रुड़ बागर गंगा पार का मामला बताया जा रहा है। पहले ये जमीन जो है दूसरे गांव के और दूसरे जिले के लोगों के कब्जे में थी, उसको तत्समय मुक्त कराया गया था, और जो ग्राम गुड़ के लोग हैं वो उनको मना किया गया था, ये जमीन नदी की है और इस पर कोई अवैध किसी तरह का कोई कब्जा ना करे और ना ही फसल पैदा करे। दिसंबर में इनके द्वारा जुताई की गई थी, उसी समय इनके विरुद्ध जो है गांव के कुछ लगभग 16 लोगों के विरुद्ध जो है मुकदमा पंजीकृत थाना अनुपचर में कराया गया। उसके उपरांत भी इन्होंने जिसमें जितने हिस्से में ट्रैक्टर चलाया गया था उतने हिस्से में गेहूँ के बीज डाल दिया था जो कुछ उग गया है। उस उगे हुए से लगता है कि इनके द्वारा जो है कब्जा करने की नीयत से इसको डाला गया है, जिसको आज कब्जा हो गया है। लगभग कितनी जमीन है ये? लगभग 800 बीघा जमीन तल्लार सर के द्वारा अवगत कराई गई है कि लगभग 800। अभी ये कब्जा मुक्त करके जमीन किसको दी जाएगी? अभी कब्जा मुक्त किया जा रहा है तो ये प्रयास करेंगे कि इसमें कुछ वृक्षारोपण हो जाए जिससे हरियाली को बढ़ावा मिले और वातावरण शुद्ध। हर छोटे बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हापुड़ हलचल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।